हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक देश के ऐसे सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में। इनफैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है जो उस देश की क्राइम को नामो निशान तक नहीं है उस देश में। उस सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में तो वो कोई और देश नहीं बल्कि चाइना है। अगर वो सिक्योरिटी सिस्टम अगर अपने इंडिया में आ जाए तो अपना देश बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। तो मैं आपको इस पूरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको पता चल पाए कि वो क्या इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है जिससे अपने देश में क्राइम बहुत कम हो सकता है। टेररिज्म जो भी मर्डर वर्डर जो भी होते हैं तो उसे बहुत ही कम किया जा सकता है। तो वो सिक्योरिटी सिस्टम क्या है और कैसे लागू होता है कि अपने देश में हो सकता है या नहीं हो सकता और क्या है चाइना में, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए तभी आपको पता चल पाएगा। तो मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कटियार जी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चाइना में एक ऐसी टेक्निक है जो कि किसी भी अननोन को डिटेक्ट कर लेता है आराम से। वहां के सीसीटीवी कैमरों में एक ऐसा फीचर दे दिया गया है जो किसी भी फेस को रिकॉग्नाइज आराम से कर लेता है। कि टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वहां अगर कोई भी अननोन पर्सन जाता है या कोई भी टेररिज्म है या कोई भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है तो वहां के कैमरों में वो आपका फेस डिटेक्ट कर लेता है और आपका जो आईडी रहती है वो आपकी आईडी हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है कि ये बंदा कौन है और क्या नाम है इसका, कहाँ रहता है, इन सारी चीजों की। वहां पे एक जैसे अपने यहाँ एक इंडिया में सिक्योरिटी सिस्टम है आधार, जो कि आधार से अगर अपन कहीं थंब लगाते हैं या कोई जो आपका फिंगरप्रिंट रहता है उससे आप पता चल जाता है कि ये बंदा कहाँ रहता है, इसका क्या एक्चुअली क्या नाम है और क्या करता है। ये ऐसे ही वहां के फेस डिटेक्ट टेक्नोलॉजी में जो कि सीसीटीवी कैमरों में दिया गया है। तो वहाँ का फंडा क्या है सबसे ज्यादा कि जैसे आपका फेस डिटेक्ट होता है तो वहां सबसे पहले वो पूरा एक लिस्ट आ जाती है कि ये बंदा कहाँ रहता है क्या करता है। और एक्चुअली अगर आपका वहां पे आईडी नहीं और आप यहाँ इंडिया से वहां पे जाते हो तो आपको जैसे ही सीसीटीवी कैमरे में आओगे तो आप डिटेक्ट हो ही नहीं पाओगे क्योंकि वहां की आपकी आईडी नहीं है। तो आपको बहुत जल्दी वहां पे ढूंढ निकाला जाएगा कि एक्चुअली आप हो कहाँ पे और क्या कर रहे हो। आपकी हर एक्टिविटी पे उनकी नजर हो जाएगी, पर्सनली आपको देखेंगे वो लोग क्योंकि आप वहां के हो नहीं, आपकी आईडी डिटेक्ट नहीं हो रही तो वो पर्सनली लेंगे आपको। और जैसे वहां पे होता क्या है कि जैसे आपने किसी की कार चोरी कर ली या कुछ चोरी कर लिया तो वहां पे आपका फेस और वो जो कार की नंबर प्लेट है अगर वो देखते हैं कि आप क्या ये आपसे रिलेटेड है, अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप उस कार के जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी की सारी वहां की पुलिस या हेडक्वार्टर जो भी रहता है वहां पे पहुंच जाती है। और अगर कोई कुछ गलत हो रहा होता है तो आपको बहुत जल्दी वहां ढूंढ निकाला जाता है। इस चीज के लिए वहां के यहाँ इंडिया के बीबीसी न्यूज के थे जॉन सडवर्थ, तो उन्होंने इस चीज को पता लगाने के लिए उन्हें चाइना भेजा गया। तो उन्हें केवल चाइना ने 5 से 7 मिनट में ढूंढ निकाला था कि ये बंदा कौन है और कहाँ रहता है। तो हाँ, मतलब इतना अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम अगर ऐसे ही इंडिया में ला दिया जाए तो टेररिज्म या बहुत सारी चीजें हैं बहुत आसानी से खत्म हो सकती हैं, खत्म नहीं हो सकती बट उन्हें काफी कम किया जा सकता है। तो ये चीज इंडिया में होनी चाहिए और अपन ने इंटरनल सिक्योरिटी मामले में बहुत पीछे हैं और देशों से, इसलिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे पीछे हैं। अगर ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ जाए तो शायद क्राइम बहुत कम हो। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब की बटन को प्लीज प्रेस कीजिए और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।